क्लास 8 चैप्टर 16 न्यू चैप्टर नेम इज प्लेइंग विथ नंबर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 16.1 एंड रीडिंग क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज। वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप इन्वॉल्व। अब मीन्स क्या है इसमें कि इसमें जो भी लेटर दिए, लेटर मीन्स ए है यहाँ पे, ठीक है, और बी है, जो भी लेटर, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। गोट इट? तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट 3A 2 5 और यहाँ पे बी और 2, मीन्स यहाँ पे ए की प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी कि यहाँ पे प्लस करने पर 2 आ जाए, ठीक है, तो मीन्स इनकी वैल्यू फाइंड करना है। गोट इट? तो अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट, अब मीन्स क्या है, इस तरीके से आप लोगों ने बचपन में इस तरीके से हमसे पढ़े होंगे। ये देखिए 3, यहाँ पे ब्रेकेट रहता है 2 5, मीन्स ये वही ब्रेकेट वाले सम्स हैं कि 5 में क्या प्लस करें कि 2 आ जाए, ठीक है, 3 और 2 में मीन्स प्लस करने पर यहाँ पे क्या डिजिट आएगी, ठीक है, वही सम्स है ब्रेकेट वाले, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें लेटर राइट कर दिए ए और बी, मीन्स उसी प्लेस पर उनको वैल्यू फाइंड करना है, वही कंडीशन है। गोट इट? तो अब ये देखिए ये कैसे होगा, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 का मीन्स समझ जाइए कि यहाँ पे 12 आना चाहिए, तब तो यहाँ पे कोई कैरीज आएगी, ठीक है, तो 5 में क्या प्लस करेंगे कि यहाँ पे 12 आ जाए, 7, 5 में क्या प्लस करेंगे 7, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7, 5, 5 में 7 प्लस करेंगे तभी तो यहाँ 2 आएगा। गोट इट? यहाँ पे 3 और 2 पहले से है, 12 टू 1 कैरी आ जाएगी, तो 3 टू 5 एंड 1 6 आया समझ। अब ए की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, यहाँ देखिए ए की प्लेस पर 7 आ रहा है एंड बी की प्लेस पर 6 आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ए बी सी, इसमें 3 टर्म दिए। अब आप लोग ये सोचिए 8 में क्या प्लस, इस तरीके से बॉक्स करके मैंने राइट कर दिया, 8 में क्या प्लस करेंगे कि 3 आ जाए, 3 मीन्स 13 आना चाहिए, तब तो यहाँ पे 1 कैरी जाएगी, तो 8 में आप लोग काउंट करके देख सकते हैं 9 10 11 12 13, तो मीन्स कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5, तो 5 में 8 प्लस करेंगे, देखिए 3 आ गया ऑलरेडी, 13 का 3 हो जाता है, 1 कैरी आ जाती है, तो 9 एंड 4 एंड 1 टोटल कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 14 कि 4 और 1 यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो मीन्स अब ए बी सी की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है, ए इज इक्वल टू ए कहाँ पे, ये है, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, बी कहाँ, ये है, तो बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 1। गोट इट? अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, सिर्फ इसमें ए है, अब ये देखिए और मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना भी देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम आए, ए ए ए आ रहा है, तो मीन सेम डिजिट ही आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि इसमें से क्या मल्टीप्लाई करें सेम डिजिट आ जाए। अभी देखिए अगर 1 और 2 राइट करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 से 2 आ रहा है, मीन सेम आना चाहिए, ए ए ए सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा, रॉन्ग है, यहाँ भी 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 से 4, रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स ये देखिए 2 2 है तो 4, यहाँ भी 2 आना चाहिए, मीन्स तीनों सेम आना चाहिए, मीन्स तीनों ए आना चाहिए, ठीक है। अब 3 3 से 9 नहीं आएगा, 4 4 से 16 नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 से 25 करेंगे, अब देखिए 5 5 से 25, ठीक है, तो मीन्स लास्ट डिजिट सेम आ रही है, तो मीन्स ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 5 5 मीन्स ए ए आ रहा है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट एक ना, क्योंकि यूनिट डिजिट ही तो आएगी यहाँ पे 5, तो अब क्या होगा 25 की अगर अपन यहाँ पे 5 राइट कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे करके बताती हूँ मैं इस तरीके से, 5 5 5 मीन्स 5 5 से 25 और 2 कैरी, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, 5 1 से 5 और ये प्लस करते हैं 6 7, तो 9 आना चाहिए लेकिन 7 आ रहा है, मीन्स 5 भी नहीं रख सकते। अब 6 रख के देखते हैं, 6 6 6 6 36 है, तो 6 6 और 6 आ गया, तो मीन्स 6 हो सकता है, तो 3 कैरी आ रही है, 6 अगर अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया तो 6 6 36 6 और 3 कैरी, 6 1 6 3 9, तो मीन्स ये राइट है। गुड इट? अब आप लोग समझ गए होंगे, तो इस तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा, ओके, तो 6 6
राइट किया, तो 6 6 कितने होते हैं, 36 होते हैं, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 के लिए है वो यहाँ आ जाएगी। जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही करना। अब इस 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जा 6 और 6 में 3 प्लस कर देंगे तो 9, अगर 9 आ गया तो अपना ये 6 राइट है, वैल्यू राइट है। गॉट इट? इस तरीके से करना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ए की वैल्यू सेम है, ए तो ए की वैल्यू सेम ही आ गई। गॉट इट? ये यही आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए फोर्थ पॉइंट, 7 में क्या प्लस करें कि यहाँ आ जाए, मीन्स ए और ए ये दोनों सेम आना चाहिए, ये और यहाँ पे सेम डिजिट आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस करने पे 6 भी आना चाहिए, ऐसे डिजिट लेना है। ठीक है, तो अभी ये देखिए, अगर यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, 6 आना चाहिए, मेन तो ये है कि यहाँ पे 6 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे डिजिट प्लस करना है। अब ऐसे तो अपन कुछ भी प्लस कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी आ जाए, मीन्स ए और वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर यहाँ पे अपन 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 रख के राइट करते हैं, ठीक है, 1 रखेंगे, 1 पुट करेंगे तो 7 1 क्या आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आना चाहिए, पहले आप ये देखते हैं। ठीक है, मीन्स जो डिजिट यहाँ आएगी वही यहाँ पे आएगी, क्योंकि ए और ए सेम है, मीन्स ये दोनों सेम आए, जो भी आएगा वो यहाँ पे रख के 3 प्लस करके देखेंगे कि 6 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पुट किया, ठीक है, तो 7 1 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 आ गया, ये देखिए यहाँ पे अपन ने 1 पुट किया, 7 मीन्स ये भी ए है और ये भी ए है, ये दोनों को प्लेस पर सेम राइट करना है। अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 8 हो गया, तो ये ए 8 है, तो ए 8 होना चाहिए, लेकिन 8 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, 6 नहीं आ रहा, तो अपन 1 नहीं रख सकते। गोट इट? रॉन्ग। 2 रखते हैं, 7 2 9, तो 9 तो और ज्यादा होता जाएगा, रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, अब 3 पुट करते हैं, 7 8 9 10 10 की 0 और 1 केरी। अगर ए 0 है तो यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगी, तो यहाँ पे 3 1 प्लस करने पर 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 1 प्लस करने 4 आ रहा है, 6 आना चाहिए। ठीक है, अब 5 पुट करके देखते हैं, तो ये देखिए 5 पुट करके यहाँ पे देखते हैं, 5 7 5, ऐसे ही 4 पुट करेंगे, 4 से भी नहीं आएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 12, 7 4 कितना हो रहा है, 12 की 2 1 कैरी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो ये आ गए इसी को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, ये 2 है इसी को उठाकर यहाँ रखना पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है, तो प्लस करके देखिए 6 आ रहा है, यस आ रहा है, 2 3 5 1 1 6। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट करना है, तो ए और बी की वैल्यू अपने पास आ गई है, ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 5। ओके, इस आंसर। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, अभी देखिए फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकेट 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 ब्रेकेट है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, सारा ब्रेकेट ओनली उन्होंने क्या दिया, 3 दिया है। ठीक है, अब 3 दिया है, तो अब ये देखिए 3 में मीन्स ए कहाँ पे, ये दोनों सेम आना चाहिए, ए और ये दोनों सेम आना चाहिए, तो अब ये देखिए 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाए, तो मीन्स एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, 3 में 0 प्लस करने पर 0, तभी तो ये बी और ये बी आएगा, तो मीन्स बी और बी सेम है ना, 3 में अगर 0 प्लस करें, 0 अगर किसी डिजिट में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 0 और 0 रख ली, तो ये दोनों बी है और ये भी बी है, तो ये देखिए दोनों सेम आ गए। ओके, तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या पुट करें कि ये दोनों सेम आ जाए, ये दोनों ए है ना, ये दोनों सेम आ जाए। ठीक है, तो मीन्स 3 5 15 होते हैं ना, तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 सेम आ गया, जो कि ए और ए सेम है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5। ओके, क्योंकि ये देखिए 3 5 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15 आ रहा, मीन्स जो 5 का किया तो 5 आ गया, तो ये देखिए 3 5 15 और 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि सी तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ का प्लस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5। ओके, एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5, और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 1। गॉट इट? तो 5 0 एंड 1। सिक्स पॉइंट, अभी देखिए सेम कंडीशन बन रही, ए ए बी और बी। ठीक है,
जो कि ये सम से फिफ्थ था, सेम था, बी और बी ए और ए लेकर आना था, बिल्कुल सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे बी और बी सेम लेकर आना है, ठीक है। तब आप लोग समझ गए होंगे, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, गुड इट। अब यहाँ पे फाइव में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव में किसका मल्टीप्लाई करें, ए और सेम आ जा, सेम कंडीशन फाइव का, क्योंकि फाइव में अगर फाइव का मल्टीप्लाई करते 25 ही आ रहा है। देखिए डिजिट फाइव आ रही, फाइव का मल्टीप्लाई करने पर, तो फाइव में फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव फाइव से 25 और टू बचता है तो टू राइट कर देंगे, गुड इट। तो ए की वैल्यू यहाँ पे है फाइव एंड बी ये है, तो बी की वैल्यू जीरो एंड सी की वैल्यू टू, गुड इट। दिस इज आंसर। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज, अब ये देखिए बी सेम है और ये तीनों आंसर में सेम सेम लेकर आना है। अब देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए सिक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे बी में सेम डिजिट आ जाए, कैसे पता चलेगा ये बताइए। पता ऐसे चलेगा, तो सिक्स में मल्टीप्लाई करके देखते जाइए कि ये डिजिट और ये डिजिट सेम आ जाए। वन रखेंगे, सिक्स वन सिक्स आएगा, नहीं आ रहा, दोनों सेम। टू रखेंगे, सिक्स टू जब 12, ठीक है, टू टू जब 4 आ रहा है, टू आ रहा है, सिक्स टू जब 12। लेकिन अगर यहाँ पे अपन ने यहाँ पे सिक्स टू जब 12 टू रख दिया तो वन कैरी आना चाहिए, वन कैरी आ गई, ठीक है। तो अगर सिक्स में ए का मल्टीप्लाई मीन सिक्स में ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और वन प्लस करने पर बिल्कुल टू ही आ जाए, क्योंकि टू 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 आना चाहिए। अगर यहाँ पे अपन टू लेकर आ रहे हैं तो 12 आ गया, टू आ गया, ठीक है। तो सिक्स वन जब सिक्स, वन प्लस किया नहीं आएगा, सेवन आ जाएगा। सिक्स टू जा, अगर टू रखा है यहाँ पे, सिक्स टू जा 12, वन थ्री नहीं आ रहा है, ठीक है, टू आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे टू रखने पर नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए सेम कंडीशन बन रही है। तो अगर फोर रखा, थ्री से भी नहीं आएगा, फोर रखा है यहाँ पे, तो सिक्स फोर जा 24। अब ध्यान से देखिए, सिक्स फोर जा 24, फोर आ गया, फोर आ गया। तो मीन्स अब ये देखिए यहाँ पे ब्रेकेट सिक्स, यहाँ पे तीनों ब्रेकेट सेम लाना है, ठीक है। तो अब यहां से देखें, अगर सिक्स में फोर का मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स फोर जा 24, तो फोर 24 के यहाँ पे फोर आ जाएगा और टू केरी आती यहाँ पे, ठीक है, टू केरी आती। अब यहाँ पे फोर ही आना चाहिए। अगर सिक्स, अब यहाँ पे वैल्यू, अब यहाँ पे वन टू थ्री ऐसे रख के देखते हैं कि टू प्लस करने पर फोर ही आता है, ठीक है, ये कंडीशन है। सिक्स में अगर वन का मल्टीप्लाई किया, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू एट, फोर नहीं आ रहा, टू रखेंगे, सिक्स टू जा 12, 12 टू 24, ठीक है। अगर 24, सिक्स टू जा 12 टू 24, फोर रख दिया और यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे तो टू आ रहा है, फोर आना चाहिए। 24 को 24 राइट करेंगे, मीन्स अपन यहाँ पे टू भी नहीं रख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री रखते हैं, थ्री सिक्स थ्री जा 18 एंड टू 20 नहीं आ रहा, ठीक है। थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स अब सिक्स रखते हैं, सिक्स जा 36 और टू 38, तो एट आ रहा है यहाँ पे, फोर आना चाहिए। अब अपन यहाँ पे सेवन रखते हैं, सिक्स सेवन जा 42, सिक्स सेवन जा 42, 42 में टू प्लस करेंगे तो हो जाएगा। अभी देखिए सिक्स सेवन जा 42 आ रहा है और टू प्लस किए तो 44 आ रही है, लेकिन फोर और फोर आ गया ना यहाँ पे, आ गया, गोट इट। अब समझ आया, ऐसे वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा इसमें क्या रखने पर आया, सेवन रखने पर आया है, गोट इट। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो बी 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 सेम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 74। तो मीन्स ए की वैल्यू क्या बनी अपनी, सेवन एंड बी की वैल्यू फोर, गोट इट। दिस इज आंसर। एट पॉइंट इज, ठीक है, ये थोड़ा इजी है। अभी देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये दोनों सेम आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीधी कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पे वन में क्या प्लस करेगी, जीरो आ जाए, तो वन में नाइन ही प्लस कर सकते हैं, तभी तो टेन आएगा, तो टेन के जीरो और यहाँ पे वन कैरी, ठीक है, वन कैरी, ठीक है। अब कंडीशन ये है, अब ये समझिए, ये तो आ गया अपने पास, जीरो आ गई, वन कैरी पहुंच गई। अब यहाँ पे बी, जो बी ये आया है तो वही ये बी होना चाहिए, तो ये जो नाइन है तो नाइन यहाँ होगा ही, क्योंकि ये दोनों सेम आएंगे, क्योंकि बी और बी है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है कि वन प्लस करने पर नाइन ही आ जाए, तो ऐसे कर सकते हैं कि वन और वन टू, टू में सेवन प्लस करेंगे तो नाइन आ जाएगा, तो प्लस कर सकते हैं, सेवन वन एट, एट एंड वन नाइन,
गोट इट। तो ए और बी के अपने पास, ए और बी की वैल्यू अपने पास आ गई है, ए ये है तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 9। गोट इट। नाउ नाइन्थ पॉइंट इज तो अभी देखिए इस तरीके सम्स राइट कर दिया, ठीक है, बॉक्स राइट कर दिए, 8 लेकर आना है तो बहुत इजी है। 1 में क्या प्लस करने की 8 आ जाएगा, 7 प्लस करेंगे तो 8 तो आ गई, तो यहाँ पे 1 में 7 प्लस करना है तो 8 आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से ये देखिए ये बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है तो यहाँ, तो यहाँ भी 7 आएगा और ये बी है तो यहाँ भी 7 आएगा, तो ये तो एज इट इज राइट कर देंगे क्योंकि यहाँ पता चल गया कि बी की वैल्यू 7 है। अब ए और ए, ठीक है, अब कितना इजी है यहाँ पे डिजिट लाना। तो अभी देखिए 7 1 8 1 लेकर आना, 7 में क्या प्लस करेंगे, मीन्स ए 1 मीन्स 11 ही आएगा, तब तो 1 आ रहा है, तो 7 में क्या प्लस कर देंगे, 11 आ जाएगा 4, ठीक है, तो 7 4 कितना होगा 11, तो 1 के लिए आ जाएगी, 1 के लिए आ जाएगी तो 7 लाना बहुत इजी है, तो 2 and 1 3 हो गया, 3 में 4 प्लस कर देंगे तो 7 आ ही जाएगा। गॉट इट। तो ए की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू 4, बी ये है, बी की वैल्यू 7, ठीक है, बस ए और बी ही अपने पास है। गॉट इट। नाउ लास्ट पॉइंट इज 10। 10th पॉइंट इज, अब ये देखिए, अब यहाँ पे अपन को 9 लेकर आना और प्लस ही करना है, 9 लेकर आना है और ए है और बी है, जो डिजिट यहाँ पता चल गई वो तीनों में सेम आ जाएगी, ठीक है, और यह बी की वैल्यू। तो अभी देखिए आप लोग कि यहाँ पे क्या लेकर आना है, उनको 9 लेकर आना है, ठीक है, 9 लेकर आना है तो इसमें क्या प्लस करेंगे कि यहाँ पे 9 आ जाएगा, ओके। तो अभी देखिए 9 लेकर आए तो 8 और 1 राइट कर सकते हैं, 8 और 1 क्या आ गया, 9 आ गया ना, 8 और 1 9, तो ये ए की वैल्यू और तीनों में ए आ रहा है तो 8 और 8 राइट कर लिया। गोट इट। अब यहाँ पे क्या है 8, अब प्लस करके देख लें क्या ये सही है गलत है, 8 2 10, 10 की 0 राइट है और यहाँ पे 1 के लिए आ जाएगी, 6 1 7 and 1 8, ये देखिए तो मीन्स अपनी ए और बी की वैल्यू राइट है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 8 एंड बी इज इक्वल टू 1। गॉट इट। 10 पॉइंट कंप्लीटेड एंड एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 16.1। थैंक यू।